तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं USB एक्सटेंडेड कस्टम रोम का, जो कि Realme X में मैंने इंस्टॉल की थी। अगर इंस्टॉल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका जो वीडियो है चैनल पर पड़ा है वो आप देख सकते हैं। अब ये जो रोम है आपकी एंड्रॉयड 11 पर काम करती है, तो काफ़ी यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 के जो फीचर्स हैं उन सब का मज़ा जो है मिल जाता है। अब इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल पर दिया हुआ है, आप जा सकते हैं चैनल पर, वो वीडियो भी देख सकते हैं या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर जो एंड्रॉयड 11 के मैंने 11 फीचर उस वीडियो में बताए हैं, तो काफ़ी मज़ा आपको आएगा। और अब बात करें इस रोम के बारे में, तो यार सबसे पहले मैं इसके अच्छाई से लेकर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार इसमें कस्टमाइजेशन जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अभी आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायर शेप में लगाए हुए हैं, इनको आप हर एक शेप को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेटिंग में, और यहाँ पर इनका अपना कुछ एक्सटेंशंस हैं, उसमें स्टेटस आइटम, क्लॉक सेटिंग, स्टेटस बार, बैटरी, ट्रैफिक इंडिकेटर, तो काफ़ी सारी यहाँ पर सेटिंग मिल जाती हैं। और साइड में क्विक पैनल, नेविगेशन, लॉक स्क्रीन सिस्टम, तो काफ़ी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो कस्टमाइज आप कर सकते हैं, हर एक चीज़ को काफ़ी यहाँ पर अच्छी चीज़ें दी गई हैं। और एक और इसकी स्पेशल बात है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं जिनसे आप कभी भी बोर नहीं होने वाले। तो यहाँ पर देखिए वॉलपेपर मैं आपको दिखा दूँ, कितने सारे यहाँ पर वॉलपेपर हैं, अलग अलग से यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है। और एक और अच्छी बात यहाँ पर वॉलपेपर में मुझे ये लगे कि अगर आप यहाँ पर डेली वॉलपेपर यहाँ से अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपके रोज़ाना की जो वॉलपेपर है ऑटोमेटिक होम स्क्रीन का चेंज हो जाएगा, आपको यहाँ पर कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बोर नहीं होने वाले। काफ़ी मज़ेदार ये चीज़ यहाँ पर मुझे इस रोम में देखने के लिए मिली है। और जब मैंने ये रोम इंस्टॉल करी थी तो मुझे यहाँ पर GFS इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो रोम के साथ यहाँ पर अटैच थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन मेरा 11, और जिसमें कि आपको सपोर्ट मिलता है आपका सिक्योरिटी पैच अक्टूबर 5 का, जो कि यहाँ पर लेटेस्ट रहने वाला है। काफ़ी यहाँ पर अच्छी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। साथ में आपको यहाँ पर गूगल प्ले सिस्टम अपडेट जो है वो 11 मिलती है। अभी एक नई चीज़ यहाँ पर आई है, बाकी कर्नल वगैरह, और यहाँ पर जो आपका कर्नल वर्जन है वो आपको लाइनेज OS का मिल जाता है, जो कि यहाँ पर 18 तारीख अक्टूबर 10 को इन्होंने बिल्ड किया है, तो लेटेस्ट ये आपको मिल जाता है। और बाकी की इसमें चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इनका एक अलग से एप्लीकेशन है जो कि AEX पेपर है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे वॉल पेपर देखने मिल जाते हैं जिन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलेक्शन दिया हुआ है अपने AEX नाम से, इन्होंने इतने सारे वॉल पेपर्स यहाँ पर क्रिएट करे हुए हैं कि काफ़ी सारे, मतलब एक को देखिए आप, सेकंड को देखिए, बोर नहीं होने वाले हैं यहाँ पर। इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अलग से किसी के शेयर भी कर सकते हैं, या इनको आप कैरी भी कर सकते हैं अपने किसी अदर डिवाइस में। और यहाँ पर ये जो रोम है आपको प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफाइड नहीं मिलती है, तो इसमें इसके थ्रू मैं कुछ एप्लीकेशन जो है वो नहीं चला पा रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा, जो मेरी पेज ऐप एप्लीकेशन है इसे मैं रिचार्ज के लिए यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं रूट डिटेक्ट कर रहा है, और इसी की वजह से ये नहीं चल पा रही है। इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए केवल अलग से वीडियो यहाँ पर हम सेपरेट आपको प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर आप DRM इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसका रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी लेवल L3 का मिलता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर L1 का भी मिलना चाहिए था, जहाँ पर आप कुछ कंटेंट जो है वो HD में ब्राउज कर पाएंगे, HD में नहीं देख पाएंगे। और आप सेफ्टी नेट टेस्ट को चेक कर लेते हैं, तो रन टेस्ट पर क्लिक करते हैं और ये फेल यहाँ पर आपको देखने के मिलता है। तो सेफ्टी नेट रिक्वेस्ट तो वो सक्सेस है, रिस्पॉन्स सिग्नेचर सक्सेस है, लेकिन आपको बाकी की जो दो चीज़ें CTS प्रोफाइल वो फेल देखने के मिलती हैं, जहाँ पे आपको जो बैंकिंग एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होने वाली है, और मुझे हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाली। और यहाँ पर आपको जो कैमरा टू API प्री इनेबल मिलता है, तो आप यहाँ पर GCam वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो अपनी कैमरे की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, ऐसा नहीं। आपको इससे पहले रोम में मेरे जो पिक्चर्स है उनको क्लिक करने में काफ़ी डिले हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वो अच्छे से काम कर रही है, वीडियो वगैरह अच्छे से यहाँ पर मेरी शूट हो रही हैं। इसी से मैंने अभी 3-4 वीडियो यहाँ पर शूट की हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। और यहाँ पर बात करें फेस अनलॉक की, तो आपको इस रूम में फेस अनलॉक नहीं मिलता है। अभी इसमें आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक अच्छे से काम कर रहा है, वो मैंने अभी रिमूव कराया है, केवल इसलिए क्योंकि इसके बाद मैं अगली रूम पर जाऊँगा, तो वहाँ पर जो कुछ इंक्रिप्शन का थोड़ा पंगा होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर निकालनी होती है। तो दोस्तों इसमें वो वाईफाई जो है और साथ में आपका वोल्टी दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं जियो और एयरटेल पर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, दोनों में अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कॉलिंग स्विच होने पर यहाँ पर कॉल कट रही है, वो दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी इस रोम में आपको थोड़ी आवाज़ जो है वो साउंड थोड़ी ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ी बूस्ट की हुई है आपकी माइक की हो, या फिर आपके जो स्पीकर की हो, वो आपको थोड़ी बूस्ट मिलती है। तो इससे क्या होता है कि आप कुछ भी यहाँ पर प्ले करते हैं, कोई भी अपना कंटेंट, तो वहाँ पर काफ़ी आपको आवाज़ जो काफ़ी लाउड सुनने मिलती है। कभी कभी होता क्या है कि मैं ईयरफोन लगा के यूज़ करता हूँ, तो मुझे जो साउंड है यहाँ पर फुल ना रख के यहाँ पर 2 पॉइंट नीचे रखनी पड़ती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरे ईयर जो कान है उनमें दर्द होने लगता है, काफ़ी
ऐसा लगता है एक्स्ट्रा मतलब साउंड आपको यहाँ पर दी हुई है, तो वो एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं लगी। इतनी बूस्ट की यहाँ पर जरूरत नहीं थी साउंड में। और दोस्तों यार थोड़ी बैटरी के बारे में बात कर लूँ, बैटरी एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है, तो यार बैटरी एक्सपीरियंस थोड़ा मतलब बैकअप तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन चार्जिंग स्पीड इसकी नॉर्मल रही है। आपका लगभग 1.5 घंटे में फ़ोन फुल चार्ज होता है, और यहाँ पर मुझे लगभग 3 बार दिन में चार्ज करना होता था, एक नॉर्मल यूज़ पे, एक सुबह, दोपहर, फिर शाम को। एक बार तो मेरा ऐसा हुआ कि 40% मैंने इसको चार्ज किया, लेकिन जो मेरी बैटरी है 1 घंटे में यहाँ पर केवल 15% पे आ गई। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ है, उसके बाद मेरा बैटरी बैकअप थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन इतना अच्छा इसमें बैटरी बैकअप आपको देखने नहीं मिलता है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है, क्विक रिस्पॉन्स आपको मिलता है, कोई भी चीज़ आप ओपन करते हैं जल्दी से ओपन हो जाती है, लैगिंग वगैरह कुछ देखने के लिए नहीं मिलती है। रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको मिल जाता है, स्टोरेज वगैरह सब अच्छे से काम कर रही हैं। अब इतनी सारी अच्छाइयाँ होने के बावजूद इसमें कुछ कमियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ कमी यहाँ पर नहीं मिलती है। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, तो फिलहाल यहाँ कॉलिंग पर चलते हैं और मैं कस्टमर केयर को कॉल कर लेता हूँ। जब भी मैं कहीं कॉल करता हूँ यहाँ पर एक हल्की सी ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं, ये हमेशा कॉल के टाइम होता है। यहाँ पे एक हल्की सी आपको दिख रही होगी स्क्रीन में, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि मेरी स्क्रीन में कोई डिफेक्ट आ गया है। हालाँकि शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन यहाँ पर जो एक ब्लिंक हो रहा है, और जब मैं इस कॉल को यहाँ पर कट कर दूंगा और वापस से होम पर जाऊँगा, तो ये चीज़ अभी यहाँ पर नहीं होगी। तो ये यहाँ पर इसमें कुछ कमी यहाँ पर मैंने देखी है, यहाँ पर महसूस की है। साथ में कॉलिंग पे एक और कमी यहाँ पर देखी है, जब मैं किसी को यहाँ पर कॉल करता हूँ और कॉल करते टाइम लगभग 5 मिनट बात कर लेता हूँ, उसके बाद क्या होता है कि सामने वाले को बंदे को मेरी जो आवाज़ है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए मुझे ईयरफोन पे मोस्टली यहाँ पर कॉलिंग पे बात करने में यूज़ करनी पड़ी। इसका जो माइक में यहाँ पर प्रॉब्लम है, अभी इस रोम को यहाँ पर उन्हें अच्छे से और थोड़ा ऑप्टिमाइज करना होगा। और यहाँ पर जैसा भी मैंने आपको दिखाया प्ले स्टोर में, यहाँ पर आपको जो सर्टिफाइड नहीं मिलता है, तो उसके थ्रू मैं यहाँ पर सिर्फ फ़ोनपे यूज़ कर पा रहा हूँ, या पेटीएम अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। बाकी मेरी नेट बैंकिंग वगैरह, HDFC की, पेजैप और गूगल पे मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। गूगल पे पर तो आपके एक वाइट स्क्रीन ही मेरी आ रही है, और उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर देखने में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है बैंकिंग एप्लीकेशन चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जहाँ पर इसको रूट अनरूट वगैरह करेंगे, और वो अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस यही था, एक क्विक रिव्यू जहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं। और यार अगर आप जानना चाहते हैं इसमें कस्टम रिकवरी वगैरह, TWRP या फिर बूट लोडर कैसे अनलॉक करना, उसकी एक अलग से वीडियो दी हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं कमेंट में उसको पिन कर दूंगा। वो वीडियो आप देखकर ऐसी रोम्स को एंजॉय कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चल अगली वीडियो, आने वाली वीडियो में एक नई रोम पर जाएंगे और उसके बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं रोम को लेकर, या कुछ आपकी डिमांड है किसी वीडियो के बारे में, तो कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई में मिल जाएगा। या फिर कोई ऐसी वीडियो होगी जो आप चाहते, कोशिश करेंगे हम आने वाली वीडियोस में उसको प्रोवाइड कर दें। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूँ आने वाली एक और नई रोम के साथ में, एक और नई चीज़ों के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।